अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेजी। यहाँ मैंने ली है आधा किलो चिकन हड्डियों वाली। कुकर में इसको ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें डालें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून ऑरेंज रेड कलर ऐड करें, 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करें, मिक्स करें। वन थर्ड कप पानी ऐड करें, मिक्स करें। दो टेबलस्पून तेल ऐड करें और इसको प्रेशर कुक करें। सीटी बजने के बाद से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। 4 टेबलस्पून तेल गरम हो गया है, इसमें 2 मीडियम साइज्ड कटी हुई प्याज ऐड करें। हाफ टी स्पून नमक डालकर प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करें। प्याज गोल्डन हो गई है, अब इसमें 3 टेबलस्पून चार मगज यानी तरबूज की बींजे ऐड करें। मिक्स करें, भून लें इसको। अब इसमें 2 बड़े बड़े कटे हुए टमाटर ऐड करें। टमाटर को भी भून लें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इनको ठंडा कर पीस लें। 1/3 कप तेल गरम हो गया है, इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करें। अदरक लहसुन के लाल होने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन लाल हो चुका है, अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें, मिक्स करें। अब इसमें चिकन का पानी ऐड करें, उबला हुआ पानी। पिसा हुआ मसाला ऐड करें। मसाले में पानी घोल कर भी ऐड कर दें। मिक्स करें। एक टेबलस्पून कसूरी मेथी चूर दें। मिक्स करें। अब इसमें उबली हुई चिकन ऐड करें। मिक्स करें। एक टेबलस्पून बटर ऐड करें मस्का।
मिक्स करें। वन थर्ड कप फ्रेश क्रीम ऐड करें। मिक्स करें। दो टेबलस्पून और बटर ऐड करें। मिक्स करें। अब फ्लेम ऑफ कर दें। अब ये बिल्कुल रेडी है। कोयले के बगार के लिए कटोरी रख दी है, इसमें कोयला गरम करके रख दें। इस पे बटर डाल दें या घी या तेल डाल सकते हो। अब इसको कवर करके रखें 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद निकाल लें। चिकन चंगेजी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।